मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपको पता है ना कि अपन कितने लोग इनिशियली फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, कितने हैं? अराउंड 8 to 10 लैक्स। वो सिलेक्शन कितना होता है? अराउंड 1000 का, है ना? तो कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ कितने लोग सेलेक्ट क्यों हो रहे हैं, कभी सोचा है इस बारे में? हमारे सबके पास कंटेंट पूरा है, क्योंकि कोचिंग नोट्स वगैरह पूरे हैं, कोचिंग की भरमार है, इंटरनेट पे सारा कंटेंट है, लेकिन ये डिफरेंस आखिर कहां पे आ रहा है? कहां पे आ रहा है? एक अब्राहम लिंकन की एक स्टेटमेंट थी कि इफ आई हैव 6 आवर्स टू चॉप अ ट्री, अगर मेरे पास 6 घंटे है कि अगर मेरे को ट्री को काटना है, so I'll invest my 4 hours in sharpening the axe, right? कि मतलब मैं मेरी जो जिससे मेरे को काटना है उसकी मैं धार को बहुत तेज रखूंगा कि जो अपने 2 घंटे है उसी में ही वो मैं काम कर सकूं, right? तो हमारे जो डिफरेंस आता है वो स्ट्रेटजी में आता है। तो स्ट्रेटजी हमारी कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारे को कंटेंट पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे भी सर ने आपको कंटेंट बताया स्पेसिफिक कि हमें कहां कहां से अपनी इंफॉर्मेशन लेनी है और कहां कहां से हमें उसको किस तरह से कंपाइल करना है। मैं आपको इसी चीज को फॉरवर्ड ले आते हुए कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जैसे सर ने बताया कि हमारे को जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 20 क्वेश्चन आते हैं ना, हमें कभी भी ये फोकस नहीं करना है कि हमें 4 या 5 क्वेश्चन हमारे अच्छे हैं और बाकी जो है हमारे एवरेज है, राइट? ये समझ रहे हैं ना? हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो अबव एवरेज आने चाहिए। आपको पता है कि हार्डली 50% या 56% होते हैं जो टॉपर्स के मार्क्स होते हैं। तो हमारे जो टारगेट रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे एवरेज अबव एवरेज लेवल के होने चाहिए, राइट? तो सर ने जैसे बताया कि हमें सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए। इसके बाद सर ने बात करी कि सब टॉपिक्स के बाद एक टॉपिक के अंदर कम से कम 10 सब टॉपिक्स होंगे, राइट? अब ये बात भी हुई थी कंटेंट बहुत सारा है तो हमें अपने खुद के नोट्स बनाने होंगे या जो भी हमारे पास कंपाइलेशन है उसे हमें मार्क करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक टॉपिक लेते हैं जिसके ऊपर हमें नोट बनाना है, तो हमारा नोट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए? सबसे पहले वो जो टॉपिक है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन, ये सारी चीजें आप नोट कर लेना क्योंकि ये आपके टाइम बहुत बचाएंगे। जो ये 10 लाख से जो 1000 में जा रहे हैं ना वो इसी की वजह से जा रहे हैं। जो आपके सब टॉपिक है उसमें कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद करेंट अफेयर में वो टॉपिक आखिर कैसे रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो हम ऑटोनोमस व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, आजकल न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, राइट? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, GS3 पेपर की बात कर रहा हूं मैं। इसके साथ आपके पास एक डायग्राम रेडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायग्राम या फिर ग्राफ और डायग्राम आपके पास रेडी होना चाहिए, राइट? जो भी कॉन्सेप्ट है उसके प्रॉस एंड कॉन्स मतलब उसके बेनिफिट्स और उसके लॉसेस या उसके कंसर्न्स क्या क्या है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए और उसका एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या MST के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप एंड किस तरह से करेंगे, फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन क्या रखेंगे आप, ये सारी प्रिपरेशन आपके पास पहले से होनी चाहिए। आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में सोचोगे कि मैं इस पे कंक्लूजन क्या लिखूं, अगर आपके पास कंक्लूजन पहले से रेडी होगा, डेफिनेशन कॉन्सेप्ट आपके पास पहले से रेडी होंगे तो आपको वहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में बहुत कम टाइम लगेगा, राइट? इसके बाद हमारी जो प्रिपरेशन होती है उसको हम 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा बेसिक्स, जैसे कि हमने बात करी जो इकोनॉमिक्स का या जो हमारा एनवायरनमेंट का बेसिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक है,
वो हम कहां से गैदर कर रहे हैं, हमारी एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से गैदर कर रहे हैं, उससे हम लोग समझ रहे हैं कि बेसिक आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। अगर एनवायरमेंट में यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमें एनसीईआरटी से मिलता है, लेकिन यूट्रोफिकेशन का इम्पैक्ट आज की डेट में क्या आ रहा है, आज की डेट में क्या आ रहा है, और इंडिया में किस किस जगह पे यूट्रोफिकेशन की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो हमें मिल रहा है करंट अफेयर्स से, राइट। तो ये तो आपके दो पार्ट हुए कि आपने बेसिक्स तैयार किया, करंट अफेयर तैयार किया, ये जो वन थर्ड पार्ट है ना, ये आपका एनालिसिस वाला पार्ट है, एनालिसिस वाला पार्ट। आपके पास करंट अफेयर एनसीईआरटी के जो बेसिक कंटेंट है वो सबके पास होगा, लेकिन जो मैटर करेगा वो एनालिसिस मैटर करेगा। आपको एमएसपी को पीडीएस से लिंक करना होगा, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको एथिक्स से लिंक करना होगा, ये जो इंटरलिंकेजेस है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको। जैसे सबने बताया कि अगर हमारे तो एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं बजट, बजट का सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास पॉलिटी में है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से रिलेटेड, राइट। तो वो क्वेश्चन हमारे पास पॉलिटी में भी आ सकता है, वही क्वेश्चन हमारे पास इकोनॉमिक्स में जीएसटी में भी आ सकता है, और सेम क्वेश्चन जो है एज अ पार्ट ऑफ एथिक्स भी आ सकता है। तो जो आपकी साइलोड मेंटेलिटी होती है, साइलोड, वो मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई इकोनॉमिक्स का टॉपिक है तो मैं सिर्फ उसको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करूंगा, मेरे को वो जो टॉपिक है वो चारों तरफ से तैयार होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि एमबीबीएस में डॉक्टर जो होता है उसे पूरी बॉडी के बारे में पता होता है, उसे ऑर्थो के बारे में पता है, उसे लीवर के बारे में पता है, इसी तरह से आप जो है जर्नलिस्ट बनने जा रहे हैं, राइट। आपको वो एक सिंगल टॉपिक कहीं से भी दबा के पूछा जा सकता है। तो ये साइलोड मेंटेलिटी आप छोड़ दीजिए, कोई भी टॉपिक है उसे चारों एंगल से पढ़िए। बजट का टॉपिक है तो बजट की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, जैसे कि आउटकम बजट है वो फ्यूचर बजटिंग के बारे में है, डेली का जो बजट होता है वो आउटकम बजट होता है, आउटकम बजटिंग के बारे में बात होती है, तो ये फ्यूचरिस्टिक बजटिंग के बारे में पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज करते हैं वो पता होना चाहिए। बजट का एथिकल कंसर्न क्या है, क्या जो पॉलिटिक्स है वो बजट को मिसयूज करती है पावर गेन करने के लिए। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में कब आएंगी, जब आप उस टॉपिक के बारे में चारों एंगल से सोचेंगे, राइट। तो जब भी आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट अच्छे पता होना चाहिए, एक्टिव लर्निंग। कोई भी टॉपिक है उसको आप एक्टिवली सोचिए कि उस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगर आपके पास तीन चार दोस्तों का अगर ग्रुप है तो डिस्कस करिए, कोई क्वेश्चन लेके, एमएसपी पे आपने क्वेश्चन लिया तो एक फ्रेम क्वेश्चन, उस पर आंसर आप फ्रेम करिए कि किस तरह का आंसर बनता है, और दूसरे को एज ए एग्जामिनर बोलिए कि आप चेक करिए कि मेरे आंसर में क्या डेफिशिएंसी रही है। जो भी आप कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, राइट, आप लोग न्यूज पेपर पढ़ रहे होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका कॉन्सेप्ट आता है। हम लोग कहां पे रुक जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, और आज की रैंकिंग क्या है, 2018 की 77 रैंकिंग है, राइट। हम लोग यहां पे रुक जाते हैं, ये रैंकिंग है, लेकिन हमें एग्जाम में क्या पता होना चाहिए और क्या हमें शो करना है वो है उसका ट्रेंड, राइट। तो कभी भी आप टॉपिक को रेडी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक ग्राफ जरूर बनाएं, चीज का ट्रेंड क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2009 में इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग थी 133 के अराउंड, राइट, अभी 2018 में है 77। तो सेम कॉन्सेप्ट को आप ट्रेंड के तौर पे अगर उसे पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स पे एक तो आपका आसानी होगी, क्योंकि प्रीलिम्स पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे फिजिकल डेफिसिट का हो, रिवेन्यू डेफिसिट का हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो ट्रेंड के ऊपर भी पूछा जाता है, और अगर आपको ट्रेंड एनालिसिस पता होगी तो आपका आंसर जो है वो काफी अच्छा अपीलिंग लगेगा एग्जामिनर को, और आपकी आंसर शीट है वो अलग से नजर आएगी। अब
इकोनॉमिक्स में सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है उसमें आपको मैप्स बनाने आने चाहिए। इंडिया का मैप हो गया, वर्ल्ड का मैप हो गया, एक ग्रॉस मैप आपको हार्डली 10 या 20 सेकंड में बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के इश्यूज के बारे में बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का ड्रॉ डायग्राम बनाना आना चाहिए और उसके आसपास कौन सी कंट्रीज है जहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है। अगर आप इस चीज को भी शो करेंगे अपने आंसर शीट में तो वो ज्यादा आपको मार्क्स मैचिंग करेंगे। सर ने एक बात बताई थी जो हमारा बेसिक्स है ये जीएस 3 पेपर का, वो क्या है, इकोनॉमिक सर्वे, राइट। इकोनॉमिक सर्वे में भी जो कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं वो टॉपिक्स आपको ऐसे में भी यूज होंगे, जैसे कौटिल्य की स्टेटमेंट दी हुई है उसमें। इस बार का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो कौटिल्य की स्टेटमेंट दी है कि गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, राइट। बजटिंग के बारे में उसके व्यूज दिए गए हैं, ये सब व्यूज आप एथिक्स में यूज करेंगे। प्लस उसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल दूंगा, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है नज का। नज कुछ बता सकते हैं, किसी ने पढ़ा हो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे? नजिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है इस बार, ठीक है। नजिंग इज समथिंग विच इज नजिंग इज समथिंग विच इज बिटवीन लेसेस फेयर एंड इंसेंटिव। इंसेंटिव्स क्या होते हैं कि हमें किसी से कुछ काम करवाना है तो हम उसको कुछ लालच टाइप का देते हैं। बच्चे से कहते हैं ना कि अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें टॉफी देंगे। आप लोगों को क्या इंसेंटिव मिलता था? है कार? अरे वाह, ठीक है। तो ये एक इंसेंटिव वाला कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है लेसेस फेयर, मतलब कि आपने इसको छोड़ दिया। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है, आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर कुछ भी करे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर चाहे जितना चार्ज करे, जो ओला उबर कैब्स हैं वो चाहे जितना चार्ज करते रहे, गवर्नमेंट उसको कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा। इस बार की इकोनॉमिक सर्वे ने कॉन्सेप्ट दिया नजिंग का। नज का मतलब है कि आपको जस्ट उसको गाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल ओला उबर कैब्स है, उनको जस्ट हम गाइड करेंगे कि आप अपना फेयर जो है इतना रखिए। हम ना उनको इंसेंटिव देंगे ना हम उनको कुछ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज से इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट यूज किया था उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारा कैंपेन रहा है उसकी सक्सेस में जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने नज का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम इकोनॉमिक्स में यूज करेंगे, जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा। यही कॉन्सेप्ट जो है हम सोसाइटी में भी यूज करेंगे। सोसाइटी का पेपर आता है ना कि हमें कुछ चेंजेस लाने हैं सोसाइटी में, इस तरह क्वेश्चन आएगा, तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं कि वी कैन नज द सोसाइटी, वी कैन नज सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल। सिमिलरली एज पार्ट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, एथिक्स में हम भी यूज करेंगे इसे। सोशल इन्फ्लुएंस हमें करना है, सोसाइटी को मॉडिफाई करना है। अगर डाउरी डेथ्स को हमें रिड्यूस करना है या फिर जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो हम ये नज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो बेसिक आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि हमें जो कुछ भी इकोनॉमिक्स का हम पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं उन सबको एज अ रिलेटेड फॉर्म में हमें पढ़ना है, राइट। अब इसके बाद ये थोड़ा नोट मेकिंग के बारे में बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं या फिर आपको पढ़ना कैसे है। जैसे कि एक शीट आप पढ़ते हैं, एक पेज पे अगर आप एक शीट पढ़ रहे हैं उसमें आपके पास तीन पैराग्राफ्स हैं। अब इसमें से हर एक पैराग्राफ में से आप एक या दो कीवर्ड्स निकाल लीजिए जो पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड में से निकाल लीजिए, थर्ड में से निकाल लीजिए। तो जब आप रिवाइज करेंगे उस चीज को तो आपको जस्ट ये छह जो कीवर्ड्स हैं वो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे।
मैं क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल था, मेरे पास टाइम कम था, तो मेरे को ये स्ट्रेटजी अपनाई मैंने कि पूरा का पूरा पेपर जो है, पूरा का पूरा पेज जो है वो मेरे को रिवाइज ना करना पड़े, जस्ट ये दो या चार कीवर्ड्स में पढ़ूं और मेरा पूरा जो पेज है वो रिवाइज हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा मेडिकल साइंस का अगर आप यूज करेंगे, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो आप ब्लैक पेन का यूज मत करिए, यूज कलरफुल पेन, रेड को यूज करिए, ब्लू को यूज करिए, ये कीवर्ड सीखने के लिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी है वो एक्टिव लर्निंग फेज में जाएगी, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे, और इसको जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा आप सोचेंगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, राइट। तो ये मेरी तरफ से था, बाकी सब सर ने बताई दिया है, और आपके जो क्वेश्चंस हैं अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, आपके पास क्वेश्चंस काफी सारे होंगे।